हेलो नमस्कार दोस्तों, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम 2019 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग करने की पूरी जानकारी लेकर आया हूं आपके सामने। और इस वीडियो में बताने जाने वाला हूं मैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कॉलेज के लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म का डेट जो कि फर्स्ट काउंसलिंग का कब से कब तक फॉर्म को फिलअप करना है, क्या होगा, कब लिस्ट आएगा, कब एडमिशन ले पाएंगे, सब कुछ की इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरी पूरी जानकारी मैं इसमें से देने वाला हूं। आप कैसे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, कहां से कैसे फॉर्म भरना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो कैसे करना है, चलिए दोस्तों चलते हैं, चालू करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से हमारे चैनल में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस आते जाएंगे जो आपके बहुत ही काम होंगे, आपके हेल्पफुल जो है हो सकते हैं। तो दोस्तों, सभी तक शेयर करें हमारे चैनल्स को, और नोटिफिकेशन बेल को टच करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे नए वीडियो जो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अलावा और कोई भी दूसरे ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्रोम यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो क्रोम को ओपन करें, ओपन करने के बाद सर्च टाइप जो है वेब एड्रेस को टाइप करना है आपको, जैसे कि उसका एड्रेस जो है जो SERT का है, SERT.CG.GOV.IN। टच करके आपको सर्च के ऑप्शन बटन पर क्लिक करना है। बटन क्लिक करने पर जो है वेब पेज आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो गया है। ये जो है वो मोबाइल के एनवायरनमेंट के बेस पे है, आप लोगों को मैंने पहले बता चुका है कि कैसे आपको इसको पीसी मोड में लाना है। ये है, देखिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाया जाए, SERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ का ये मेन वेबसाइट है। और इसके लिए हम जो है डेस्कटॉप साइट बनाने के लिए इसको इस ऊपर टॉप में जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पर टच करना है। और नीचे आकर देखेंगे आप तो डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, चेकबॉक्स में ओके करने पर ये जो है चेंज हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, अभी आप इसको टच करके देखेंगे तो डेस्कटॉप साइट ओके है। इसका मतलब ये है कि अब जो साइट है वो डेस्कटॉप के बेस पर बन गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर इस सेक्शन में जहाँ पर लिखा हुआ है BEd Delayed ऑनलाइन काउंसलिंग, यहाँ पर जो है BEd ऑनलाइन काउंसलिंग 2019, DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2019 और दावा आपत्ति के लिए भी यहाँ पर तीनों लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग करना है, क्योंकि आपको बीएड के काउंसलिंग के प्रोसेस जानना है इसीलिए। फिर सेकंड जो है पेज ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो है लाइन लिखी हुई हैं। सबसे पहले में देखिए जैसे लिखा हुआ है, आपको मैं ऐसे जो है फ्लिंक करके दिखाऊंगा, बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु वेबसाइट। तो यहाँ से आप जो है वेबसाइट है जिस पर आप टच करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सेकंड लिखा हुआ है ये वाला कि बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग 2019 हेतु विस्तृत विवरण, इसमें आपको फुल डिटेल्स दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करना है और पाठ्यक्रम में प्रवेश कैसे लेना है, उसका ऑनलाइन करने का जो विवरण है वो दिया गया है। तो इसको आप टच करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगा इससे रिलेटेड। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बीएड पाठ्यक्रम 2019 में प्रवेश हेतु महाविद्यालयों की सूची। तो दोस्तों, इस PDF को आप डाउनलोड करके आप अपने छत्तीसगढ़ में पूरे जितने भी कॉलेज जिसमें बीएड के जो है कोर्सेज का प्रावधान है, वहाँ पर जिसकी पढ़ाई कराई जाती है, उस पूरे कॉलेजेस के आप लिस्ट और वो किस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है इसकी आप पूरी जानकारी देख पाएंगे। इसके बाद जो है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग है तो संक्षिप्त विवरण, तो ये संक्षिप्त विवरण शॉर्ट में दिया गया है, जिसमें आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद लिखा हुआ आर्यावर्त शिक्षा महाविद्यालय रुआ बांधा भिलाई नगर। देखिए भाई, जिला दुर्ग भिलाई में जो आर्यावर्त शिक्षा महाविद्यालय है उनको काउंसलिंग में जो है शामिल कर लिया गया है, इसके संबंध में बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी भिलाई नगर वाला है और जो जिला दुर्ग में आते हैं, अगर उनको इस महाविद्यालय से अगर बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो
कर सकते हैं ये बताया जा रहा है, क्योंकि पहले हो सकता है इसकी मान्यता ख़त्म कर दी गई हो बीएड के लिए, तो अभी इसको फिर से जो है लाया गया है। और यहाँ पर एक और दिया है, छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय भिलाई नगर दुर्ग को इसको भी काउंसलिंग में शामिल किया गया है। साथ ही साथ बीएड महाविद्यालयों की सूची दावा आपत्ति हेतु। तो दोस्तों ये सब खैर इधर का कोई काम का नहीं, फिलहाल आप बात करें कि आपको कैसे हम चेक कैसे करना है, क्या देखना है आपको, कैसे आपको संक्षिप्त विवरण और ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु 2019 हेतु विस्तृत विवरण और साथ ही साथ महाविद्यालयों की सूची की बात करते हैं। तो यहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसको आपको पूरा पढ़ना ज़रूरी है। देखिए काउंसलिंग करने वाले हैं आप, काउंसलिंग की पूरी डिटेल्स जब तक आपके पास नहीं होगी और तब तक आपका जो है सही फॉर्म जो है फिलअप नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, अगर ऑनलाइन आप फॉर्म डायरेक्ट करने का स्टार्ट कर देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ जाएगी जिसकी वजह से आपको फॉर्म भरने में फिर से बीच में रोकना पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों आप ऐसा ना करें, कृपया पूरी पूरी जानकारी पढ़ लें। जाहिर सी बात है 10 मिनट ज़्यादा से कुछ नहीं लगेगा यूट्यूब में इस वीडियो को देखने पर, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। मैं जो है अभी आज फॉर्म में फिलअप जो किया हुआ हूँ उसमें भी देखिए यहाँ पर वेबसाइट में भी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि एक हफ्ते का समय दिया हुआ होता है इसमें कि फॉर्म भरना है कैसे करके, और उसके बाद जो है सब लोग इसको भरना स्टार्ट करते हैं तो इससे जो है क्रैश भी हो जाता है कभी कभी। जैसे मैंने आज ही एक फॉर्म भरा है तो उस फॉर्म में जो है सब कुछ ओके हो गया था, कॉलेज प्रेफरेंस जैसे ही देने वाला था तो वो जो है कुकीज़ करके ओपन होने के बाद फिर वो गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये वाले जो है विस्तृत विवरण यहाँ से आप पीडीएफ यहाँ से टच करके आप डाउनलोड करेंगे, मेरे पास पहले से डाउनलोड है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस पीडीएफ में जो है क्या आपको, ये पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद आपको पास जो है ओपन हो जाएगी, जो भी आप पीडीएफ ऐप चलाते हैं उसमें ओपन हो जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं टॉप में लिखा हुआ है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है, बीएड पाठ्यक्रम में द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2019 की सूचना। मैं आपको इसमें पूरा जो है जो भी लिखा हुआ है उसको मैं सबको समझाते हुए चलूँगा, आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इसमें मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, संपूर्ण जानकारी, जिसमें आप किसी दूसरे को भी इससे हेल्प भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो सभी तक ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम बीएड, जिसमें फर्स्ट काउंसलिंग की बात किया है, दिनांक से दिनांक तक की भी बात किया है। चलिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले ये लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में प्रथम चरण विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि, इसमें लिखा है 29/7 से 5 अगस्त तक का बात कर रहा है, 29 जुलाई से 5 अगस्त तक का। तो देखिए 29 तारीख से यानी कि कल से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 5 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म फर्स्ट काउंसलिंग के लिए फिलअप किया जाएगा। इसके बीच में आपको करना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद नहीं होगा फर्स्ट काउंसलिंग का। इसके बाद सेकंड में लिखा है दावा आपत्ति के लिए प्रथम चरण की आवंटन सूची जारी करना एवं दावा आपत्ति। तो देखिए भाई ये 7 अगस्त से 8 अगस्त की बात किया गया है इसमें 2019 में, तो ये क्या होगा? तो जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग आप करेंगे, फर्स्ट काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप कर देंगे कहाँ पर, 29 से लेकर 5 अगस्त तक। उसके बाद जो 7 से 8 अगस्त का 2 दिन का जो टाइम है उसमें कोई भी दावा आपत्ति रहेगी, फर्स्ट काउंसलिंग में जो भी लिस्ट आपका आने वाला है उसमें आपको कोई दावा आपत्ति करना है कि मुझे कॉलेज नहीं मिला, या कोई भी जैसे कि किसी को कॉलेज मिल जाता है उसको दावा आपत्ति करना है कि मुझे ये नहीं मिला है ये कॉलेज मिल गया है, ऐसे कुछ करना है आपको उसमें दावा आपत्ति करना है, तो आप इस डेट पर 2 दिन के समय में कर सकते हैं। तीसरा फिर प्रथम चरण के आवंटन सूची जारी करना। तो देखिए फिर उसके बाद प्रथम चरण का जो सूची है वो 9 अगस्त 2019 को जो है डिटेल्ड आपके जो है जो भी फॉर्म फिलअप किया है आईडी पासवर्ड डालकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उसको आप चेक करेंगे तो सभी के में ऐसे ही जो है कॉलेज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके रैंक के बेस पे। इसके बाद चौथे में लिखता है कि प्रथम चरण में आवंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। तो देखिए 9 तारीख को जैसे ही आपको मिल जाता है लिस्ट मिल जाता है आपको कि कौन कौन सा कॉलेज आपको दिया गया है, कोई भी एक कॉलेज देगा, तो 9 अगस्त से 16 अगस्त
देखिए 9 अगस्त से 16 अगस्त अर्थात एक हफ्ते का समय आपको मिलेगा कि कॉलेज में आपको जाके एडमिशन लेना है। अगर आप कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका सीट जो होगा वो स्वयं में निरस्त हो जाएगा, आपका फर्स्ट काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर जैसे इस डेट के बीच में जो है सभी स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन लेना है उसको जाके कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, फीस निर्धारित तिथि पर भी देना होगा। इस तरीके से फिर उसके बाद जैसे जैसे हो जाएगा फिर कॉलेज भी जो है जिन जिन का एडमिशन लेगा उसके सीट को अलाट करा देगा। उसके बाद उन लोग जो है ऑनलाइन जो है साइट पे अपना बताते हैं कि कितना सीट का कॉलेज सिलेक्शन हुआ था और कितना फिलअप हुआ और कितना बच गया, तो रिक्त सीटों की जानकारी जो है ना ये 5th नंबर में ये जो है 17 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद फिर से आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, उस बेस पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड में भी होगा, ऐसे ही थर्ड में भी होगा। इसमें सब पूरा डेट दिया हुआ है आपको, फर्स्ट मैंने समझा दिया है कैसे होने वाला है, तो सेकेंड थर्ड आप बिल्कुल समझ जाएंगे। सबसे लास्ट जो है स्टेज है रिक्त सीटों की जानकारी वो 19/9/2019 को है। देखिए दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण अगर कंप्लीट हो गया इसके बाद भी अगर कोई सीट किसी कॉलेज में बच जाता है तो उसको बोलते हैं काउंसलिंग जो करेंगे फिर से उसको बोलते हैं फेस टू फेस। तो फेस टू फेस जो है उसमें क्या करना रहता है, कॉलेज जाना है आपको डायरेक्ट और डायरेक्ट जाके एडमिशन करा लेना है, ऐसा जो है फेस टू फेस काउंसलिंग बोलते हैं। लेकिन वो तब जब तृतीय चरण के बाद सीट बचा हुआ तब ये कंडक्ट जो है डायरेक्ट कॉलेज करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आशा है समझ में आया होगा। देखिए नीचे जो है आपको बताता हूँ मैं आगे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सेकंड नंबर में लिखा है आवश्यक दिशा निर्देश, जिसमें लिखा है बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता। तो देखिए भाई आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है स्नातक होना चाहिए, स्नातकोत्तर यानी कि स्नातक मतलब आपको अंडर ग्रेजुएशन में जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसके बाद स्नातकोत्तर बोले तो पीजी होना चाहिए। ऐसा आपको कम से कम 50% जो है होना चाहिए, इंजीनियरिंग वाले हैं तो कम से कम 55% होना चाहिए, इस तरीके से जो है आपको होना कंपलसरी है। इसके बाद अगर और एक बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ आरक्षित वर्ग के लिए बीएड प्रवेश नियम के अनुसार अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक में 5% की छूट का प्रावधान है। मतलब 5% का छूट दे सकते हैं आगे पीछे होने के लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल सभी लोग अगर बीएड का एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो ज़रूर पात्र हैं, तभी वो बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं। आगे लिखता है 2.2 में ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए आवश्यक जिनकी दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी। तो देखिए कौन कौन से जो है 5 आपको डॉक्यूमेंट ध्यान रखने हैं जो आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने में हेल्प करेंगे और ये ज़रूरी है आपको। प्री बीएड परीक्षा 2019 की अंक सूची, इंटरनेट में जो आपको व्यापम के द्वारा जो इंटरनेट से अंक सूची दिया गया होगा जिसमें आपका रैंक डिस्प्ले किया गया है वो वाला आपको चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि की एकीकृत प्राप्तांक की गणना हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त हो जो तीनों वर्षों की अंक सूची यदि स्नातकोत्तर उपाधि है तो पात्रता से बन रही है तो स्नातकोत्तर दोनों वर्षों के अंकों की प्रविष्ट होगी। मतलब कि तीनों अंक का एग्रीगेट करके पूरा बनाना है और उसके बाद अगर वो पीजी वाला है तो पीजी का दोनों साल का करके। उसके बाद थर्ड पॉइंट 10वीं या 12वीं की अंक सूची लगेगी जो कि जिसमें जन्म या तो जन्म प्रमाण पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपको उससे लिखना है। इसके बाद आरक्षित एवं संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र, तो जाति या फिर जाति जो है इसमें आरक्षित वर्ग को लगेगा। और इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको ध्यान रखना होगा, इसकी भी आवश्यकता होगी। तो ये डॉक्यूमेंट थे जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जब करना होगा एडमिशन के लिए तब आप इसको काउंसलिंग में यूज़ करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी ये जो है आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए स्टेप 2, इसके बाद स्टेप 2 के बाद और नीचे जाएंगे तो स्टेप 3 लिखता है, स्टेप 4, स्टेप 5। आप इसको पढ़ सकते हैं 6, 7, 8 पूरे 8 तक का जो है इसमें दिया हुआ है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है। लेकिन अगर आपको इसमें समझ भी नहीं आता है तो मैं एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको एक पूरा फुल फॉर्म जो है
फॉर्म को फिलअप करा के आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप मेरे फॉर्म भरने के तरीके को आप देख लीजिए, कैसे कैसे फिलअप करना है, कहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट को डालना है, कैसे करना है, तो इससे आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। आप जो है एक दिन रुक सकते हैं दोस्तों, मैं तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बस मैं एक अभी जो फॉर्म है फिलअप करने वाला हूँ, तो उसके बाद तुरंत मैं जो है आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है, बाकी तो बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, बस ज़्यादा नहीं, 5 तारीख तक आपका फर्स्ट काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करने का है। तो मैं जो है उसको तुरंत, मतलब कि अभी ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसके जस्ट बाद में थोड़ा एक कम से कम 12 आवर के बाद मैं आपको दे ही दूंगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए, आवंटन की सूचना निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको जो है कॉलेज अलॉट किया जाएगा ना, तब SMS के द्वारा सूचना दी जाएगी। अगर SMS आपको नहीं मिलता है तो SCRT की कोई जवाबदारी नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर नहीं आया तो देखो भाई, आपको पता है डेट वेट सब दे दिया गया है, तो आप अपने लॉगिन ID पासवर्ड को डालिए ना, और उसके बाद जाकर आप आवंटन पत्र उसमें दे देगा डाउनलोड करने का, कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। तो आप उसका प्रिंट निकालिए और उसी प्रिंट आउट को लेकर और जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सबको लेकर उस कॉलेज में जाइए और जाकर एडमिशन ले लीजिए फीस पे करके, ऐसा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और इसमें क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट में अपना विकल्प फॉर्म pre-BBA 2019 का रोल नंबर सबमिट कर भी आवंटन देख सकते हैं। चयन किसी भी प्रकार की सूचना डाक के द्वारा नहीं भेजी जाएगी। अस्थायी आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित तिथि तक इस आवंटन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति व छाया प्रति के साथ आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करके निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकते हैं। तो आपको निर्धारित तिथि में ही प्रवेश लेना जरूरी है, क्योंकि कॉलेज वालों को भी कौन सा सीट अलॉट स्टूडेंट को कर दिया है, किसको नहीं किया है, ब्लैंक कौन सा बचा हुआ है, ये सब करने के लिए भी जो है टाइम देना पड़ता है। इसीलिए जो है आपको जल्दी से करना पड़ेगा। चयनित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया, तो इसमें आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। देखिए, आप इसको पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा बेटर आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि जो है आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो निर्धारित तिथि में जाना बहुत ही आवश्यक है, तब आप जो है प्रवेश लेंगे। अगर आप प्रवेश नहीं लेते हैं तो आवंटन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, सेकेंड काउंसलिंग में आपको फिर से फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट जो है मूल दस्तावेजों की जानकारी जो है, आपका पूरा डिटेलिंग सब सही होना चाहिए। आप फॉर्म में जो फिलअप करेंगे आपके पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो सब सही होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। और जब अगर ऑनलाइन आप प्रोसेस करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे अगर कॉलेज को, तो उसकी भी रसीद आपके पास होनी चाहिए। फीस जो है रसीद अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, यहाँ पर बी पॉइंट में दिया गया है, ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेंट किया गया फीस की रसीद नहीं होने की स्थिति में प्रवेश अमान्य माना जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखें कि रसीद जरूर ले लें। इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त कोई भी अन्य शुल्क लेवे तो आप जो है महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए शिकायत कर सकते हैं। डी पॉइंट में लिखा गया है कि चयनित अभ्यर्थी को यदि महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है तो चयन निरस्त नहीं करता है, तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, अपने लॉगिन में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कॉलेज जो मिला है, आप कॉलेज में अब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक्सेप्ट करके जाके एडमिशन लीजिए। और अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो उसको कैंसिल करना ज़रूरी है। अगर आप कैंसिल नहीं करें तो हो सकता है SCRT आपको पूरे काउंसलिंग से ही बाहर कर दें। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको नहीं लेना है तो ज़रूर बताइए, ताकि कोई दूसरा बच्चा उसको ले सके। सीट खाली है कि नहीं, ये आप फंसा के नहीं रख सकते। प्रवेश लेने के पश्चात महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार आप प्रवेश ले लेंगे उसके बाद आपको कोई भी जो है किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा कोई दूसरा कॉलेज का। इसलिए ध्यान रखें, आपको जो है पूरा ये इसलिए पहले से डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है आपको कि बनाना है ऐसे ऐसे करना है करके। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा आपका कि कैसे आपको क्या क्या जानकारियां जो थी फॉर्म भरते समय, ये सब आपको जो है बताने के लिए ये जो है PDF था जिसमें बताया गया है। और एक जो है आप जैसे कि यहाँ पर आप कॉलेज की सूची जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज है जहाँ पर मैं एडमिशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो वो PDF आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है आपका PDF डाउनलोड होगा। और देखिए ये PDF आएगा आपका BEd ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया 2019, इसमें लिखा हुआ है आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त BEd महाविद्यालयों की सूची। तो आप में इसको बताएगा, जिला बता रहा है, संस्था का नाम और पता भी बताएगा, महाविद्यालय का प्रकार गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है,
कि स्ववित्त पोषी है, ये बताएगा सीट कितने हैं उस कॉलेज में और सीटों का प्रकार कैसे हैं, छत्तीसगढ़ निवासी के लिए कितना है और इंडियन के लिए कितना है। इंडियन मतलब देखिए भाई, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं यहाँ पर, उनका डोमिसाइल है तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ वालों के लिए है, उसके बाद छत्तीसगढ़ वालों के बाद जो है आपका बाकी जो और भी बच जाता है सीट वो दूसरों के लिए रहता है, बाय द वे अदर स्टेट के हैं ऐसे टाइप से। और महाविद्यालय का कोड दिया गया है, इसी कोड को आपको काम करना है दोस्तों। जब आप वहाँ पर जो है कॉलेज प्रेफरेंस लेंगे ना, मैं वैसे वीडियो में बताऊँगा आपको, फिल अप फॉर्म जो करने वाला वीडियो आने वाला है तो उसमें आपको बताऊँगा कि ये कैसे आपके काम आएंगे महाविद्यालय का कोड। तो देखिए ये जो है पूरा डिटेल दिया गया है इसमें, आप इसमें देख सकते हैं कि कितना सीट है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, क्या नाम है उस कॉलेज का और उसका आप पता भी देख सकते हैं। तो ऐसे आप पूरे जिस ज़िले के निवासी हैं उस ज़िले के कॉलेज में जाकर इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्या है, लिस्ट आप पूरा देख सकते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में जितने कॉलेज हैं उसका पूरा दिया गया है। टोटल 144 कॉलेज हैं जिसमें आपको पूरा 14,150 सीट है और इसके लिए जो है देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, शासकीय में जो है बीएड का प्रथम वर्ष में 7,000 लगता है और द्वितीय वर्ष में 6,000 रुपये इतना फीस लगता है। और प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट में लगभग आपको टोटल 2 साल का पड़ जाता है, लगभग 60,000 के आसपास पड़ जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो आप उसको कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो ये ऐसा स्टार मार्क का चिन्ह लगा हुआ है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि वो महाविद्यालय जो है न्यायालयीन प्रकरण के अंतर्गत लंबित है, तो आप अपने स्वविवेक से इस्तेमाल करके जो है आप देख सकते हैं भाई कि किस में आपको एडमिशन लेना है, किस में नहीं लेना है। एकात में लगा होगा देखेंगे इसमें, जैसे कि यहाँ पर देखिए भिलाई मैत्री कॉलेज रिसाली सेक्टर, इसमें स्टार लगा हुआ है ना, तो इसमें इसका मान्यता को लेकर थोड़ा सा प्रकरण लंबित है आपके कोर्ट में, इसीलिए दिक्कत है, ठीक है। तो आप देख चुन के आप जो है नहीं करिए, मैं बोलता हूँ दोस्तों आप इसमें से सबसे पहले अपना जिला देख लीजिए, जिला देखने के बाद जितने भी आपको कॉलेज ऐसे लगते हैं जहाँ मैं एडमिशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ उसका आप लिस्टिंग करें, लिस्टिंग के साथ साथ उसका महाविद्यालय कोड जो है ना उसको भी लिख लेंगे और एक पेज में बढ़िया से लाइन से लिख लें, आपको प्रेफरेंस भी दे दें उसमें, लाइन से क्रमशः जमा लें सिक्वेंस से कि पहला मैं कौन सा ऑप्शन डालने वाला हूँ, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ऐसा पूरा एक डिटेल एक पेज में बना लें, ताकि आपको क्या है ना वहाँ पर जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी, आप डायरेक्ट उसको देखकर डायरेक्ट फिलअप कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब वहाँ आप जाएंगे ना तो बार बार आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर आप कौन सा प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट किसको, थर्ड किसको, सेकेंड किसको, ऐसा गड़बड़ होगा। तो इसीलिए ना पहले आप एक पेज में यहाँ पर पूरा मस्त डिटेलिंग कर लीजिए, संस्था का नाम वगैरह लिख लीजिए और जिला तो आपको अपने हिसाब से लेना ही है ना, और उसके बाद जो है महाविद्यालय कोड को भी लिख लीजिए और एकदम सीक्वेंस से करिए वैसे ही जैसे कि आपको उसमें कॉलेज का जो नाम देना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आया होगा और वीडियो थोड़ा सा जाहिर सी बात है लंबा है, लेकिन डिटेल्स भी तो उतना ही देना था आपको, है ना। तो भाई पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरे डिटेल्स मैंने इसमें आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपको बताना होगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, पूरा प्रोसेस के साथ फॉर्म भरते हुए दिखाऊंगा मैं आपको उस वीडियो में, जैसे मैं PRSU का दिखाता था, ठीक है। तो दोस्तों बताइए कि कैसे करना है, आपको चाहिए कि नहीं वीडियो, अगर चाहिए होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और दोस्तों सभी तक ये जो वीडियो है उसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी तक शेयर करें चैनल को भी, तभी हम जो है थोड़ा सा हम लोगों को सांत्वना मिलता है और हमारा उत्साहवर्धन भी होता है कि हाँ भाई कि हमारा वीडियो है या हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच पा रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है। तो कृपया दोस्तों प्लीज़ 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 सभी लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्षांश कोचिंग क्लासेस।